गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू लॉ मेकर्स, लॉयर्स, जजेस एंड इंडियन कम्युनिटी। हम जुडिशियल स्ट्रेंथन की बात करते हैं, न्यायिक मजबूती की बात करते हैं, सभी नागरिकों कर्तव्य की न्यायिक प्रक्रिया का, न्यायपालिका का सम्मान किया जाए। परंतु आज हमें कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से इसकी जो ड्रॉबैक्स या खामियां जो इसमें हैं, किसी ने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को शायद ज़्यादा तकलीफ ना हो, दुखी दिलों से पूछा जाए, दरिया दिल लोगों से नहीं, पेटिशनर से पूछा जाए, हत्यारों के वारिसों को उतना दुख नहीं है जितनी इसकी हत्या हो गई है और उसके वारिस जो लड़ाई लड़ रहे हैं पेटिशनर्स और दूसरे संगीन अपराध जिनके जघन्य अपराधों को मैं ज़्यादा उच्चारित नहीं करना चाहूँगा, समझदार लोग समझते हैं, बड़े पैमाने पर जो बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं भारत के कानून मंत्री महोदय से भी कहूँगा कि संसद सर्वोच्च है, संसद की गरिमा माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति महोदय की कार्यशैली को भी नियंत्रित करने का मादा रखती है। और उसी कड़ी में आज मैं वीडियो सभी लॉ मेकर्स के पास और दूसरे जजेज और बार काउंसिल्स उनके पास भी प्रेषित कर रहा हूँ कि न्यायपालिका के हालात पर एक बार चर्चा कर ली जाए, और जहाँ चाहे वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की बात हो, चाहे रिव्यू पेटिशंस की बात हो, ये जो अपीलिंग के मामले हैं कितने समय तक जो प्रक्रिया अडॉप्ट की जा रही उचित हैं या नहीं हैं, और हत्यारे ट्रायल के दौरान ही ज़्यादातर जो मर जाएं, चार चार अदालतों से उस दीवार को लांघने में इतना समय लग जाए, तो ये न्यायिक जटिलता से ज़्यादा न्यायिक सुलभता की बात करें, लोगों को न्याय मिले, सिर्फ गाले बजाने से कुछ नहीं होगा, दुखी दिलों से पूछना होगा भैया मिला क्या न्याय, उनके मुँह से आया मिला है। तो मैं यही आज प्रेषित भी कर रहा हूँ कि इस पर जो हम रिसर्च भी हमारी यूनिवर्सिटी अभी कर अभियान जारी है, और यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा मजबूती साथ अगर दाड़ कर हमारी तरफ आए कि क्या करे वो मैं समझ नहीं रहा, तो हमारे पास मैटर है, उस भाई को हम वो मैटर भी देने को तैयार हैं विद प्रूफ, ज़्यादा उसको मीडियम न कहकर, और वो सभी बातें उपलब्ध है जो सुधार की सख्त आवश्यकता है जो मैं कहना चाहता हूँ। और मैं कानून मंत्री महोदय को आज विशेष रूप प्रेषित कर रहा हूँ कि इस पर अपना कार्रवाई अपने न्याय मंत्रालय जारी करे मिस्टर रिजिजू, और बात को आगे बढ़ाए। ये सबसे बड़ा भार उन्हीं के कंधों पर है जो केंद्रीय मंत्री हैं। धन्यवाद।